तो हेलो दोस्तों, मेरा इस गेमिंग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेंसिविटी। अगर गेम का सेंसिविटी ठीक ना हो तो कोई भी बंदा आपको मार के जा सकता है। गेम में जो एम इम्प्रूव होता है वो सेंसिविटी की वजह से ही होता है, इसीलिए सेंसिविटी को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और ठीक करेंगे अपना सेंसिविटी सेटिंग्स को। वीडियो लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सेंसिविटी सेटिंग्स को ठीक करते हैं। तो मैं अपना जुगाड़ लेके थोड़ा साइड में आ गया, जैसे कि आप लोग ठीक से समझ पाओ, मैं ठीक से समझा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मैं चल जाता हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन पर। आ गया सेटिंग्स, सेंसिविटी आ गया। ये हो गया सेंसिविटी का पूरा सेटिंग्स, इसे हम लोग आज चेंज करेंगे। मैं ऊपर की तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है ओवरऑल, इसे हम लोग कस्टमाइज पे ही रख देते हैं। इसे अगर लो, मीडियम, हाई कुछ भी कर दिया तो वो गेम के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये सेंसिविटी सेटिंग्स हम लोग आज चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसे कस्टमाइज पे ही रख देते हैं। उसके बाद उसका नीचे आ गया कैमरा सेंसिविटी फ्री लुक। ये आ गया फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन आ गया, ये फर्स्ट पर्सन आ गया, ये आ गया पैराशूटिंग। ये तीनों ऑप्शन कौन सा काम में आते हैं? ये पहले वाला को मैं पूरा लो कर देता हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं। ये देखो, गेम तो सही चल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा। इधर ये आता है दोस्त, ये आई आइकन, इसी में काम आता है। ये देखो, इधर उधर नहीं हो रहा है, मैं इधर उधर कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं हो रहा है। ये रनिंग टाइम काम आता है, पैराशूटिंग टाइम काम आता है। ये देखो, रनिंग टाइम इधर उधर हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, सीधा जा रहा है, घूम भी नहीं रहा है। चलो उसे मैं हाई कर देता हूँ। ये देखो, हाई कर दिया। अब देखते हैं, देखो कितना फास्ट मूव हो रहा है, ये होता है इसका काम। चलो सेटिंग्स पे जाते हैं, सेंसिविटी आ गया। वैसे ही ये फास्ट पर्सन में भी काम करता है, वैसे ही पैराशूटिंग जंप टाइम में भी काम करता है, इसका वही काम है। उसका नीचे आ गया कैमरा सेंसिविटी, ये कौन सा काम में आता है? थर्ड पर्सन नो स्कोप, ये कौन सा काम में आता है? तो इसे हम लोग लो कर देते हैं। उसके बाद सेटिंग्स पे जा, ट्रेनिंग पे आ गया। अब देखो, ये देखो दोस्तों, इधर उधर नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है। मैं इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सीधा जा रहा है। आप हम लोग उसे फास्ट कर देते। ये आ गया कैमरा, इसे हम लोग फास्ट कर देते हैं। आ गया ट्रेनिंग, ये देखो दोस्तों कितना फास्ट हो रहा है, ये होता है इसका काम। अब आता है रेड डॉट एम असिस्टेंट्स, ये कौन सा काम में आता है? इसे हम लोग लो कर देते हैं पहले। अब देखते हैं, गेम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ठीक चल रहा है। तो देखो दोस्तों, ये कौन सा काम में आता है? ये जब गन पकड़ लेते हैं, स्कोप कर दिया। अब देखो, इधर उधर नहीं हो रहा है, मैं इस साइड जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इधर उधर नहीं हो रहा है। रेड डॉट यानी स्कोप टाइम, स्कोप टाइम मूव करना। चलो मैं हम लोग इसे फास्ट कर देते हैं। ये आ गया कैमरा सेंसिविटी, रेड डॉट फास्ट। अब ट्रेनिंग, अब देखो दोस्तों, ये स्कोप ऑन किया, अब देखो कितना फास्ट, कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना फास्ट। ये हो गया इसका काम। उसका नीचे आ गया 3x, 6x, सभी एक ही जैसा काम होता है। गन में 3x लगाओ, 6x लगाओ, 8x लगाओ, अपनी हिसाब से इसको चेंज कर लो, सभी एक ही जैसा काम करता है। कैमरा सेंसिविटी काम करता है फायरिंग करने से पहले, फायरिंग करते टाइम नहीं। ये हो गया कैमरा सेंसिविटी का पूरा काम। उसका नीचे आ गया ADS सेंसिविटी। अब हम लोग इसे चेंज करेंगे।
ADS सेंसिविटी का पहला है थर्ड पर्सन नॉइस स्कोप, ये कौन सा काम में आता है। हम लोग इसे पूरा लो कर देते हैं, जाते हैं ट्रेनिंग पर। ये देखो काम तो सभी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लोग फायर करते हैं, देखो फायर करते टाइम सीधा ऊपर जा रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। मैं इधर उधर की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इधर उधर नहीं हो रहा है, सीधा जा रहा है ऊपर, इधर उधर नहीं हो रहा है। ये देखो सीधा फायरिंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। ये सेंसिविटी को हम लोग, ये आ गया ADS, इसे हम लोग हाई कर देते हैं। अब देखते हैं, ये देखो फायरिंग कर रहा हूँ, देखो कितना फास्ट मूव हो रहा है फायरिंग करते टाइम। फायरिंग देखो कितना फास्ट, ये हो गया इसका काम। उसका नीचे आ गया रेड डॉट, ADS सेंसिविटी का नीचे आ गया रेड डॉट, ये कौन सा काम में आते हैं। ये पूरा लो कर देता हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग पे जाता हूँ। काम तो सभी हो रहा है, अब देखते हैं। ये कर दिया फायरिंग, ठीक हो रहा है। लेकिन ये मैं स्कोप ऑन किया, अब फायरिंग कर रहा हूँ, देखो इधर उधर नहीं जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है। ये होता है रेड डॉट का काम। ये देखो कर दिया स्कोप फायरिंग, सीधा ऊपर जा रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। ये होता है रेड डॉट का काम। तो अब हम लोग इसे फास्ट कर देते हैं। ये आ गया ADS सेंसिविटी, रेड डॉट आ गया, इसे हम लोग फास्ट करते हैं। अब ट्रेनिंग पे जाते हैं, स्कोप ऑन करते हैं, फायरिंग देखो कितना फास्ट मूव हो रहा है। ये होता है इसका काम। ये स्कोप ऑन किया फायरिंग, स्कोप ऑन किया फायरिंग, स्कोप ऑन किया फायरिंग, इधर फायरिंग, इधर फायरिंग। तो दोस्तों ADS सेंसिविटी का मतलब ही होता है फायरिंग करते टाइम जो आपका एम होता है उसे परफेक्ट करना। तो अपना हिसाब से ट्रेनिंग मोड पे जाओ, स्कोप लो, गन में सेट करो, अपना हिसाब से फायरिंग करो और ADS सेंसिविटी को ठीक करो। ये मैं पहला दो वाला ऑप्शन दिखा दिया। ADS सेंसिविटी का नीचे आ गया जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप दोस्तों मैं तो खेलता ना हूँ, इसका उतना पता भी नहीं है मेरे को। आप लोग अगर खेलते हो तो अपना हिसाब से ठीक कर लेना।